सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज खुशी का मौका है और मेरे को आया विट मेन हेयर रिमूवल का जो कोलेब्रेशन है वो मेरे को आ गया है, और पेड कोलेब्रेशन है जिसको जिसको बोल दूँ। बट ये इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे नहीं है। बट व्लॉग निकालना मेरा कंपलसरी काम है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मेरे को वहाँ पे ज़्यादा आता है, आई थिंक सो। बट व्लॉग यूट्यूब से मेरे को एक आया था मामा अर्थ का, मैंने लिया नहीं। बस इतना था कि मेरे को एक बीच में करके एक रहता है, तो मैं उसका कुछ तो बोलते हैं मिड करके, मिड वीडियो करके बीच में कहाँ पे, तो अपने को बोलने का है कि मामा अर्थ इज़ गुड एवरीथिंग, जो जो रहता है वो लोग सिर्फ बेचते, वो अपने को बोलने का था। बट मैंने वो स्किप कर दिया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी वजह से मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिया उसमें। बट फिर मेरे भाई ने उसी मंथ का, मतलब उसी मंथ आई थिंक ऑर्डर कर दिया, और मैं बोला अरे मेरे पास आया था कोलेब्रेशन, वो लोग प्रोडक्ट भी भेज रहे थे। बट विट हेयर रिमूवल में प्रोडक्ट नहीं भेज रहे हो, वो लोग अपने को बोले कि एक इफेक्ट है इंस्टाग्राम पे, उन लोग को उसे प्रमोट करने का है आई थिंक सो। तो उसकी वजह से वो जो वीट का है वो अपने को यूज़ करके मेरे को स्टोरी और एक पोस्ट करने का है। तो चेक करते हैं, तुम लोग को पोस्ट भी दिखा दूंगा ऐसे साइड में जहाँ पे, मतलब करूँगा उसके बाद, तो चेक करते हैं और पता तो तुम लोग को। चलो अभी बाहर जाते और कुछ शूट करने का प्लान करते, क्योंकि 27 और 28 नवंबर के बीच में बोला था हम लोग को, बट मैंने कल ट्राई किया था, वो इतना सक्सेस नहीं हुआ, मतलब मेरे को पसंद नहीं आया। क्योंकि देखो पहली बार कुछ करने जा रहा हूँ तो अच्छा करना, ये मेरा करते हुए, इसके लिए मैंने, मतलब क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मैं करते हुए समझ लेता हूँ, और घर से बैग गिर गया। तो चले जाते और मेरे साथ बने रहो, स्टे ट्यून। सो तुम लोग देख सकते हैं एक्सेप्टेड है विट हेयर रिमूवल, मेरे को और एक आया था बट मैंने वो इतना ध्यान नहीं दिया। बट यहाँ पे देख सकते हो पे आउट है इंस्टाग्राम का है, तो एक सेकंड में ज़रा हाथ रख देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। उसके नीचे जाने के बाद मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखो, तो यहाँ पे लिखा है कि एक इंस्टाग्राम स्टोरी और एक इंस्टाग्राम पोस्ट वो मेरे को करने का है, और गाइडलाइन जो यहाँ पे दिया है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। स्ट्रिक्टली ऑन संडे एग्जाम्पल, मतलब 27 और 28 नवंबर के बीच में एक्सेप्ट करके कॉन्टैक्ट भी वो लोग ने दिया है, रिसीविंग पे आउट, और यहाँ पे सबमिट करके सब हो जाएगा। तो मिलता है आगे, तुम लोग करते रहो और देखते रहो, चलो फॉलो कर लो। और अभी हम लोग है फोर्टिस हॉस्पिटल में, नवी मुंबई का ये फेमस हॉस्पिटल है, जिस जिसको पता रहेगा मेरे पापा का ऑपरेशन था तो कल हो गया था बाय द वे, और आज हम लोग दिखने आए थे, और मेरा आरटीपीसीआर हो गया था, उसकी वजह से मेरे को जाने दिया। जिस जिसका आरटीपीसीआर है तब वो नॉन टाइमिंग पे भेजते, और भेजने का टाइमिंग तो 7 o'clock का है, तो हम लोग इसके लेट आए, तो तुम लोगों को जैसे पता रहेगा। और ये जो है, ये है अपना KDMC का ऐसा कल्याण का, जहाँ पे चिल आउट करते, वैसे ये नवी मुंबई का हम लोग बाबा को देख के आए, और जिस जिसको प्रे करो हमारे बाबा को जल्दी ठीक हो जाए, मतलब अभी वो ठीक है, देन टू प्रे करो कि अच्छे से अच्छे, मतलब उनका हेल्थ अच्छे से रहे, और यही बोलने का मेरे को, बाकी कुछ नहीं। और तुम लोग को मैं दिखाया वो जो एरिया था वो था, मतलब फोर्टिस का हॉस्पिटल जो है ना, फोर्टिस का वो उधर का, उसके एग्जैक्ट पीछे के दरवाजे से हम लोग आए थे, मेन डोर से नहीं, बैक साइड से। वो जो है ना पूरा लेक, फुल मिनी मरीन लाइन उसको बोलते हैं आई थिंक सो, मेरे मतलब जितना मेरे को पता है उतना मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। और वहाँ पे कॉलेज के लोग चिल आउट करते, या कोई भी रहेगा वहाँ पे चिल आउट करते, वैसा प्लेस है। आगे समुंदर, मतलब लेक है वो आई थिंक, कुछ तो है रिवर लेक कुछ तो है, तो उधर बाजू में बैठने का, चिल आउट करने का मस्त प्लेस है वो भी। बस इतना ही था आज के लिए, तो टिल देन अच्छा वीडियो लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, बस बाबा को देखने का था, इसके लिए और कोलेब्रेशन आया था, माई फर्स्ट कोलेब्रेशन। मैं तुम लोग को दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा फ़ोन वाखड़ा तिकड़ा किधर भी चला जाता है, तो भी मैं तुम लोग स्क्रीन शॉट दिखा दूंगा इधर और इधर, आप देख लेना। इसका मेरे को कुछ पता नहीं नाम वगैरह, बट ये सेम वैसी है मैं जहाँ पे घूमाऊँ। और अभी जाते हैं, देख सकते हो फोर्टिस हॉस्पिटल सामने ही अपने, हाँ कैन सी। तो थोड़े टाइम के बाद मिलता है क्योंकि अभी सब करना पड़ेगा मेरे को। तो आप देख सकते हो ये है मेन गेट फोर्टिस का, और अपने को जाने का है वहाँ पे, कैन सी। मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, ये लोग यहाँ पे राइट सिग्नल देखे, मैं यहाँ पे हूँ, ये देखो मम्मी पापा वहाँ पे खड़े हैं, दिस इज द फोर्टिस आई थिंक, और यहाँ पे हमें
देख सकते हो। पप्पा वहां से इशारे कर रहे हैं कि आगे लगा, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये देखो महानगर पालिका, इतने नंबर वन काम किया है। जिस जिसको पता रहेगा ये वाला प्लेस तो कमेंट डाउन बिलो। और मेरे बाबा के विशेष तो कि जल्दी बारे हो जाए, मतलब वो अभी ठीक ही है, देन टू दिल से अच्छा लगना मांगता है वो लोग को। फटफट कमेंट में बोल दो, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा। While I was in the mall, fucking around at the bright night.